पश्चिम उत्तर प्रदेश मेरठ में आज 15 अगस्त के दिन हिंदुस्तानी यूनिटी मिशन द्वारा ब्लड डोनेट करने का आयोजन करा गया और लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर अच्छा खासा योगदान दिया। यानी खून एक ऐसी चीज है जिसे बनाया ही नहीं जा सकता, इसकी आपूर्ति का कोई और विकल्प भी नहीं है। यह इंसान के शरीर में स्वयं ही बनता है। कई बार मरीजों के शरीर में खून की मात्रा इतनी कम हो जाती है कि उन्हें किसी और व्यक्ति से ब्लड लेने की आवश्यकता पड़ जाती है। ऐसी ही इमरजेंसी स्थिति में खून की आपूर्ति के लिए लोगों को रक्तदान के लिए जागरूक करके अनगिनत जरूरतमंदों की जिंदगी बचाने के उद्देश्य से हर साल 15 अगस्त को डोनेट कैंप लगाया जाता है। वहीं आम लोगों के साथ साथ थाना सिविल लाइंस के पुलिस अधिकारी ने भी ब्लड डोनेट किया और लोगों को ब्लड डोनेट करने के लिए जागरूक किया। इंडियन प्राइम न्यूज के लिए मेरठ से संवाददाता शुभम शर्मा की खास रिपोर्ट। केरला की जो ब्लड बैंक की टीम है उसमें हम कलेक्शन कराते हैं और लगभग 100 यूनिट से ऊपर हमारा टारगेट रहता है, 150-200 यूनिट का। तो इस बार भी कोरोना काल में ब्लड की बहुत कमी है, जिसमें महिलाएं और पुरुष सबों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और यहां तक कि हमारे पत्रकार बंधु और प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस प्रशासन ने भी यहां पर आज रक्तदान किया है। क्योंकि मेरठ महानगर में सभी लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है कि आज हमारे देश में ब्लड की कमी है कोरोना काल की वजह से, जिसकी पूर्ति के लिए प्रत्येक नागरिक अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है और रक्तदान शिविर में रक्तदान करने आ रहा है। आज जिस तरीके से कोरोना काल चल रहा है, लोगों को नरेंद्र मोदी जी का पालन हिदायत देते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का खास पालन कराया जाए, इसको देखते हुए मुझे यहाँ पर चीज किया गया है। जी, हमारे रक्तदान शिविर में हम हिंदुस्तान यूनिटी मिशन के प्रत्येक कार्यकर्ता ने सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा है, जिसमें हमने जहां पर लेटने का कार्यक्रम होता है, जहां पर ब्लड डोनेट होता है, वहां पर हमने प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग पीपी किट की चादरें बनवाई हुई हैं, सैनिटाइजिंग किया गया है और सबों का थर्मल स्कैनिंग के माध्यम से उनका टेम्परेचर चेक करने के बाद ही कैंप के अंदर अनुमति दी गई और उन्होंने रक्तदान किया है। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी जहां हमें जगह जगह पर समय समय पर हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, समझा रहे हैं, हमने उनका पूर्ण रूप से समर्थन करते हुए अपने कार्यक्रम को देश हित में समर्पित किया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक है। दीपक जी, आज ब्लड डोनेट कैंप लगाया गया 15 अगस्त पे, तो किस कैसा आप महसूस कर रहे हैं? आपने ब्लड डोनेट कराया या नहीं कराया? मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा, आप 6 साल पहले मैं इसी सड़क से गुजर रहा था तो मैंने देखा यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप का कार्यालय हमारे जो बड़े भाई हैं सुमित शर्मा जी, इनके द्वारा आयोजित किया गया था। इन्होंने बड़ी मेहनत से इस कार्यक्रम को की शुरुआत की थी। मैंने उसी को देखते हुए जब मैंने देखा कि लोगों की जान बचाने के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन किया है, तब मैंने अपना ए नेगेटिव जो कि मेरा ब्लड ग्रुप है उसको ध्यान में रखते हुए जानकारी लेकर के मैंने उस कैंप में ब्लड देने की शुरुआत करी और पिछले 6 वर्षों से मैं लगातार इस कैंप में रक्तदान कर रहा हूँ। और मैं इस रक्तदान शिविर से इतना प्रभावित हूँ कि जब भी रक्तदान लगता है हर साल की तरह मैं रक्तदान अवश्य करता हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम लोगों की सेवा कर सकते हैं, लोगों की जान बचा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान के लिए लोग जुड़ें, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान लोग करें, इसके लिए मैं लोगों से निवेदन करता हूँ, लोगों को जागरूक करता हूँ, उनको मैं ये बताता हूँ कि देखिए रक्त को आप कभी खरीद नहीं सकते हैं। रक्त ऐसी चीज़ है जो किसी लेबोरेटरी में बनती नहीं है, ये केवल आपको उपलब्ध तब हो सकती है जब आप रक्तदान करें। ध्यान रहें, आपके साथ तभी कोई खड़ा होगा जब आप किसी के लिए खड़े होंगे, तो ध्यान रखें, रक्तदान हमेशा करें। कट कर दो। आप पहुंच रहे हैं?
ऑपरेशन विजय बुराइयों के खिलाफ जंग की ओर से आपको और आपके परिवार व आपके सभी शुभचिंतकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। विजय प्रताप सिंह प्रदेशाध्यक्ष ऑपरेशन विजय बुराइयों के खिलाफ जंग। शिव मंगल सिंह IP राष्ट्रीय अध्यक्ष